पुराना माने तो आपसे एक बात पूछूं? एक बात क्यों, आप हजार बातें पूछें। ये जॉब आपको कैसे मिली थी? ये जॉब मुझे ऐसे मिली थी कि एक रिक्रूटमेंट फर्म थी, उन्होंने मेरा सीवी सुल्तान साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। आप क्या जानते हैं उनके बारे में? कैसे शख्स हैं वो? अरे बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम क्यों इतना पूछ रही हो? मैंने उनके माजी के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं सुनी। आपने उनके स्कैंडल्स के बारे में तो सुना होगा ना? हाँ जाहिर है, वो एक सियासी खानदान से हैं और सियासत में आपके मुखालिफीन आपको बदनाम करने के लिए ऐसे स्कैंडल्स तो बनाते रहते हैं। उन पे उनकी बीवी और चचा को मर्डर करने का इल्जाम है। सुना है माजी में किसी लड़की को हरास करने का भी इल्जाम था। सब माजी की बातें हैं, तुम सोच सोच के क्यों परेशान हो रही हो? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि आप उनके पास जॉब करते हैं और काफी इंप्रेस भी हैं उनसे। उनकी शोहरत अच्छी नहीं है। वो एक स्कैंडल था और कुछ नहीं। देखो उनके सियासी हरीफों ने ना उन्हें बदनाम करने के लिए एक बस स्टेशन की आम सी लड़की को हायर कर लिया था। उसने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन मैं सुल्तान साहब को जानता हूँ। सुल्तान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब है वो लड़की गलत थी। आप और क्या जानते हैं स्कैंडल के बारे में? कुछ खास नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे माशरे में बाकी सब माशरों की तरह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन पता है मुझे ऐसी लड़कियों से खास तौर पे बहुत नफरत है जो लाख दो लाख के पीछे अपना ईमान बेच देती है। मैं तो हमेशा ऐसी लड़कियों से दूर रहा, कभी चाहते ना चाहते भी उनसे बात नहीं कर पाया और अल्लाह ताला मुझे दूर ही रखे उनसे। हारून आप ये जॉब छोड़ दें। मजाक कर रही हो ना? नहीं मैं सीरियस हूँ, आप ये जॉब छोड़ दें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या बोल रही हो, मैं क्यों छोड़ूं ये जॉब? आप खुद देखें ना, जब से आपने ये जॉब शुरू की है घर का माहौल कितना अजीब हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन लगता है तुम नाशुक्री कर रही हो अभी भी। आपको नजर नहीं आ रहा कि जब से आप ये जॉब करें हमारे बीच बहस हो रही है, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अजीब और गरीब किस्म का माहौल हुआ है। ठीक कह रही थी, मैं उनसे लड़ रहा था कि मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, लेकिन नहीं, उनकी बात सही थी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका।